28 दिसंबर को थाना मंडी क्षेत्र में एक मनोज धीमान नामक व्यक्ति की आत्महत्या की सूचना मिली थी और उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर भी उसके शव के पास मिला था। जो घर में परिजन थे उन्होंने बताया कि मनोज धीमान अपने भाई योगेश धीमान से काफ़ी परेशान रहता था और इसीलिए उसने गोली मार के आत्महत्या कर ली। इस आधार पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण में योगेश धीमान को जेल भेजा गया था। बाद में जब कुछ बातें निकल के आई कि ये आत्महत्या का प्रकरण नहीं है बल्कि हत्या का प्रकरण है और उसके खुद के लड़का जो अनव है वो आवारा किस्म का है और उसी ने हत्या की है, तो उस अनव को जब गिरफ्तार करके उसको गहराई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने स्वीकार किया कि उसने ही अपने पिता मनोज धीमान की हत्या की थी अपने एक मित्र सागर उर्फ मोंटी के साथ मिलकर। घटना की वजह के बारे में उसने बताया कि उसका पिता उसकी माँ को बहुत परेशान करता था, उसकी माँ को उसके घर से निकाल दिया था, माँ के चरित्र पर शक करता था, माँ से उसे मिलने नहीं देता था, तो उसने अपने मित्र मोंटी के साथ एक योजना बनाकर अपने पिता की हत्या की थी। दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और जो योगेश धीमान हत्या के दुष्प्रेरण में पहले जेल गए थे उनको इस मामले से निकालने की कार्रवाई की जा रही है।